नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज वर्ल्ड इंडिया में। आपके साथ मैं हूं पारुल त्यागी। मुजफ्फरनगर के गांव सोरम में बीजेपी सांसद डॉक्टर संजीव बालियान 13वीं में शामिल होने पहुंचे थे, उसी दौरान कुछ किसानों ने नारेबाजी की और किसान एकता के नारे लगाए, जहां पर बीजेपी सांसद डॉक्टर संजीव बालियान के समर्थकों के बीच और किसानों के बीच मारपीट हुई। ये मारपीट बीजेपी सांसद डॉक्टर संजीव बालियान की मौजूदगी में हुई, जिसमें कई किसान घायल हुए और इसी को लेकर अब सियासत भी गर्मा गई है और RLD सुप्रीमो अजीत सिंह घायल किसानों से मिलने सोरम पहुंचे। चौपाल में रालोद सुप्रीमो अजीत सिंह ने बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा। चौपाल में किसानों की भारी भीड़ जुटी रही। वहीं किसान नेताओं के साथ जयंत चौधरी और अन्य नेता भी मौजूद रहे। पुलिस ने तनाव के बीच पहले ही पुलिस बल तैनात कर रखा था। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच पंचायत पूरी की गई। जब बीजेपी के नेता यहाँ आए थे, आप किसी भी गाँव में जाओगे, किसानों से बात करोगे तो किसान अपनी समस्या बताएंगे आपको। जबकि आप सरकार में हो, आप मिनिस्टर हो, आप MLA हो, MP हो, तो किसानों ने अपनी आवाज़ उठाई कि हमको गन्ने का दाम नहीं मिला। गन्ने की घोषणा आपने अभी की थी, बिजली का रेट इतना ज़्यादा हो गया है, बिजली कट रही है, और भी बहुत सी बातें थी जो समस्याएं हैं उनकी। भैया, उनके बयान को मैं कुछ नहीं कह रहा, कहने दीजिए, उससे मुझे कोई मतलब नहीं। क्या 26 तारीख को महापंचायत का ऐलान हुआ था? ये एलम के लोग तय करेंगे। मैंने जैसा वहाँ कहा, मैं किसानों के साथ हूँ, जो वो तय करेंगे मैं उनके साथ। और जो सरकार के मंत्री और MP MLA आते हैं, वो थोड़ी दबंगई दिखाते हैं, वो किसान बर्दाश्त करने को तैयार नहीं। वहीं सोरम की चौपाल पर 26 फरवरी को होने वाली किसान पंचायत को स्थगित करने की घोषणा की गई है। बता दें, भारतीय किसान यूनियन के जिला उपाध्यक्ष विजेंद्र बालियान ने बताया कि 26 फरवरी की पंचायत फिलहाल स्थगित कर दी गई है और जल्द ही पंचायत की नई तारीख का ऐलान कर दिया जाएगा। मुजफ्फरनगर के सोरम में भाजपा नेताओं एवं किसानों के बीच मारपीट का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। आज इसी को लेकर सोरम की ऐतिहासिक चौपाल में किसानों द्वारा पंचायत का आयोजन किया गया। पंचायत में रालोद सुप्रीमो अजीत सिंह पहुंचे और भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा। आपको बता दें, रालोद सुप्रीमो जो मारपीट में चार लोग घायल हुए थे, उनसे मिले, उसके बाद भाजपा सरकार पर जमकर बरसे। कहा, अगर सरकार 3 कृषि कानूनों के बारे में मुझे अकेले को समझा दे तो मैं किसानों को समझा दूंगा। आपको बता दें, जैसे जैसे 2022 चुनाव नज़दीक आ रहे हैं, वैसे ही सभी विपक्षी पार्टियों ने अपनी सरगर्मियां तेज कर दी है। इसी को लेकर आज अजीत सिंह सोरम पहुंचे और भाजपा सरकार पर जमकर बरसे। न्यूज वर्ल्ड इंडिया के लिए अनीश चौधरी, मुजफ्फरनगर।